हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, यकीनन ऐसा केक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा जिसमें ना तो गैस की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है और ना ही इसे बेक करना है। एकदम झटपट तैयार होने वाला फ्रेश फ्रूट केक। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं इसकी रेसिपी। कार्डबोर्ड लिया है, जो केक बोर्ड आता है इस तरह का, आप ले लीजिए। और हमें हमारे ब्रेड के स्लाइस को, ये हमने हमारी व्हिपिंग क्रीम बना के रखी हुई है, जो आप किसी भी नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके बनाते हैं, इस तरह की होती है टेक्सचर। और ये बहुत आसान है बनाना। हमें जो हमारी व्हिपिंग क्रीम होती है, हमें उसे बाजार से बाय करके लाना होता है। उसके बाद उसे फ्रीजर में हम फ्रीज करते हैं, लेकिन फ्रीजर में से बाहर है। ओके, तो अभी हम इसके बाद हमने हमारे इस पाइपिंग बैग में इस तरह से, मैंने रेड कलर की एक जो व्हिपिंग क्रीम है उसे डाल के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे इससे दो इफेक्ट देने थे, एक रेड और एक वाइट। हमने इसे पाइपिंग बैग में भर लिया है और इस तरह से सिंपल कट दे दिया है। और इसे मैं यहाँ आंटी को प्लीज और इसे पर लगा देती हूँ। एक बार कोई देखो प्लीज, जो कुल भी मैं वहां नहीं जा सकती हूँ, और केक भेजना भी बहुत मुश्किल है। बनाकर हम लोगों के सामने का बर्थडे है, और दिस केक इज डेडिकेट है उनके लिए। आज स्पेशल केक बना रही हूँ, क्योंकि वो इतनी सिंपल सिंपल इतनी इजी इजी रेसिपीज को इतना सुन। और ये साइड में हम बाद में करेंगे, तो हमने यहाँ पे अभी रेड कर लिया है वाइट, इससे अभी मैं कुछ कर पाऊँ रेसिपीज। और ये आधे पाउंड का केक है, आई थिंक इतने में आधे पाउंड का केक होता है, तो नॉन बेकिंग केक है तो बहुत इजीली बन जाता है। वाइट पाइपिंग बैग लिया है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा सा काट रखा है, ये इस तरह से देखिए। तो अभी हम इसको इस तरह से हम थ्री पार्ट्स या फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा मैंने ये इसको इस तरह से बना दिया है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। आई थिंक अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल से हमने इसको हम आइसिंग दे रहे हैं, बहुत नॉर्मल से। जब हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है, सर फ्रेश फ्रूट सभी के घरों में होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर कुछ फ्रेश फ्रूट्स मैंने ले रखे हैं, जिसमें थोड़ा कीवी है, पोमेग्रेनेट है, मौसमी है और एप्पल है। तो अभी हम इसको यहाँ पर लेयर करेंगे। तो मैं इसे लेयर कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे थोड़े से पोमेग्रेनेट है, जिनको मैं बीच में फिल कर रही हूँ। और हम एप्पल ले लेंगे, और एप्पल को भी बहुत थिन स्लाइस हम इसके ऊपर लगाएंगे। एप्पल को हम दो तीन तरह से यूज कर सकते हैं, मैं अभी बताती हूँ हम एप्पल को किस और तरह से यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच दी। यस, इट्स वेरी सिंपल और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फ्रेश फ्रूट केक है तो यकीनन बहुत लीजिए, बहुत कम दाम में और घर पे इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट के साथ हमने एक बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रूट केक बनाया है। तो हम इन नोजल्स यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, और इस लाइव को शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।